अगर तुम जब जब पढ़ने बैठते हो और तुम्हारे दिमाग में कुछ और चलता है, तुम पढ़ नहीं पाते हो, तो ये कहानी जरूर सुनो। एक बार एक मिडिल क्लास का लड़का किसी स्कूल में पढ़ता था। वह पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, बस सोचता था कि काश मैं अमीरों वाली जिंदगी जीता। उसके सारे दोस्त अमीर थे, वह ही एक ऐसा दोस्त था जो कि गरीब परिवार से रिलेट करता था। एक बार उसका दोस्त उसके घर आया। उसके दोस्त ने जब उसकी हालत देखी तो वह बोला कि तू इस घर में रहता है, वह गजब है तू। तेरे घर में दो वक्त के खाने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है और तू है कि दिन भर बस टाइम वेस्ट करता रहता है। तुझे जरा भी तरस नहीं आता अपने घर की हालात पर। उसके दोस्त ने उसको कहा कि चल तुझे एक जगह ले चलता हूँ, और वह उसे वहीं ले गया जिस फैक्ट्री में उस लड़के का बाप काम कर रहा था। उसके बाप से कोई गलती हो गई थी तो फैक्ट्री के मालिक उसे डांट रहे थे। उसके मालिक ने लड़के के बाप से पूछा कि तेरा सपना क्या है, तो बाप ने कहा कि मेरा तो बस एक ही सपना है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर इस कंपनी का मालिक बने जिसमें मैं काम करता हूँ। तब उस लड़के के दोस्त ने लड़के को कहा कि देख, तेरा बाप तुझसे कितनी उम्मीदें लगाए बैठा है और तू है कि पढ़ाई के बहाने टाइम वेस्ट करता रहता है। बंद कर ये सब, अपने लिए ना सही पर कम से कम अपने बाप के लिए बस पढ़कर आगे बढ़। तू अपने बाप का सपना पूरा कर ले। तब से वह लड़का पढ़ना शुरू कर दिया और आगे चलकर उस फैक्ट्री से भी बड़े फैक्ट्री का मालिक बन गया। तुम में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो एक मिडिल क्लास की फैमिली से या फिर गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपने लिए ना सही पर यार कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए, उनके सपनों के लिए पढ़ाई कर लो। ज़्यादा ना सही पर इतना तो पढ़ लो ताकि तुम्हारे माँ बाप का सपना और सर गर्व से ऊँचा हो जाए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।